हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी चिली चिकन स्टिक्स। नाउ दिस डिश इज इंस्पायर्ड बाय द वेरी पॉपुलर क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न, और मैं ये जब भी बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, इट्स सुपर सिंपल एंड यू कैन यूज़ इट एज अ साइड डिश और अ स्नैक्स, एंड आई एम श्योर एवरीवन विल अप्रिशिएट इट। So let's run through the ingredients, what all we need for the chicken marination and for its coating and for the garnishing and the tossing. सबसे पहले हम चिकन स्ट्रिप्स को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए आई हैव टेकन 200 ग्राम्स ऑफ चिकन फिले, ब्रेस्ट पीस लिया है मैंने 200 ग्राम का। इसके अलावा 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप चाहें तो रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं और घर में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। 2 teaspoons of lemon juice, 1 tablespoon of soy sauce, 1/4 teaspoon of black pepper powder, 1/2 teaspoon of salt and a pinch of sugar. अब हम अपने चिकन फिले को लंबे लंबे पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लेंगे, like this. अगर आपका फिले थिकनेस में ज्यादा है तो आप ये एक बार काट के और इसको बीच में से हाफ कर सकते हैं। और इस तरह के स्ट्रिप्स आप सब काट लेंगे। सो आई हैव ट्रांसफर्ड द चिकन स्ट्रिप्स टू अ बोल और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, सोय सॉस, सॉल्ट, पेपर एंड अ लिटिल शुगर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। चिकन स्ट्रिप्स का मैरिनेशन हो गया है और अब मैं इसको कोट करूंगी। ये मैंने पोहा लिया है, 1 कप पोहा है, इसको मैं मिक्सर में ग्राइंड करूंगी। आप चाहें तो इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पोहे को हमने अच्छे से पाउडर कर लिया है। अब हम इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए वी विल ऐड सॉल्ट टू इट, अबाउट 1/4 to 1/2 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 स्पून के आसपास, और साथ में थोड़ा पैप्रिका पाउडर। अगर आपके पास पैप्रिका नहीं है तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको आप अच्छे से मिला लीजिए। इसके साथ और एक प्लेट में वी विल टेक 1 egg, इसको हम हल्के से विस्क करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लीजिए। अब हम चिकन स्ट्रिप्स की कोटिंग शुरू करते हैं। वी विल टेक 1 strip, इसको हम एग में इस तरह से डिप करेंगे एंड देन वी विल ट्रांसफर इट टू द पोहा का जो सूखा मिक्सचर है उसमें डालेंगे। दिस इज हाउ इट विल बी कोटेड। इसको आप अच्छे से कोट कर दें। Take the second strip. इसको आप हल्का सा प्रेस कीजिए ताकि वो गीले चिकन स्ट्रिप के साथ द पोहा मिक्सचर गेट्स अटैच्ड। लाइक दिस। And this is how we are going to coat all our chicken strips. ये हो गए सारे चिकन स्ट्रिप्स कोट। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी फॉर अबाउट 1/2 hour ताकि ये जो कोटिंग है वो चिकन स्ट्रिप्स के साथ ठीक से सेट हो जाए, एंड देन आई विल टेक इट आउट फॉर शैलो फ्राइंग। बट जस्ट अ नोट, आप इसको 8 से 10 घंटे के लिए आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, सो यू कैन यूज इट लेटर ऑल्सो। ये चिकन स्ट्रिप्स मैंने निकाल ली हैं फ्रिज में से, अब हम इनको करेंगे शैलो फ्राई।
मैंने पैन रख दिया है गैस पे। इसमें आई विल बी एडिंग सम ऑयल। इसको तेल गरम हो गया है, गैस को थोड़ा धीरे करके नाउ लेट्स स्टार्ट पुटिंग आवर स्ट्रिप्स। एक एक करके हम इन्हें रखेंगे। इसको करीब करीब 2 मिनट हो चुके हैं। नाउ आई विल टर्न दिस। ऑलरेडी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी खा लूँ ये। तो ये हमने टर्न कर दिया है इन सबको, और इसको हम अच्छे से पकने देंगे। इसको आप मीडियम हीट पे रखिएगा ताकि चिकन अंदर तक पक जाए। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रिप्स अब ब्राउन हो गई हैं और दे आर डन। तो इसी तरह से मैं अपनी सारी स्ट्रिप्स को शैलो फ्राई कर लूँगी। सो ऑल द चिकन स्ट्रिप्स आर रेडी नाउ। नाउ लेट्स गो टू द फाइनल स्टेप। अब हम एक फ्रेश पैन रखेंगे गैस पे। जस्ट पुट हाफ अ टेबल स्पून ऑफ ऑयल। आई एड द गार्लिक टू इट। लेट इट ब्राउन फॉर हाफ अ मिनट। नाउ आई एड द अनियन, और हम इसको तेज आंच पे पकाएंगे फॉर अबाउट 2 मिनट, जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। थोड़ा ब्राउन हो रहा है, अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। ब्लैक पेपर, इसको मिलाएंगे। देन आई विल ऐड द हॉट चिली गार्लिक सॉस टू इट। टमाटो सॉस, प्लीज कीप द गैस ऑन लो टू मीडियम, बिकॉज इसके फ्यूम्स कई बार थोड़े ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जस्ट टॉस इन द चिकन स्ट्रिप्स, मिक्स इट प्रॉपरली। ये अब हम मीडियम टू हाई हीट पे इसको जस्ट वी विल गिव इट अ क्विक स्टर, अदरवाइज ये जो चिकन स्ट्रिप्स हैं ये नरम पड़ जाएंगी। एंड सी इज ऑलमोस्ट रेडी। तो ये रेडी हो गया हमारा क्रिस्पी चिकन स्टिक्स। आई हैव ट्रांसफर्ड इट टू द सर्विंग ट्रे। आई हैव जस्ट गार्निश इट विद सम नाइस स्प्रिंकल ऑफ ग्रीन अनियंस। And here we are, it's ready. बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे मुंह में ऑलरेडी कितना पानी आ रहा है। तो आप भी इस डिश को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी डिश कैसी बनी। एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग सो पेशेंट विद मी एंड ऑलवेज अप्रिशिएटिंग मी द वे यू डू। जल्दी आपसे मिलती हूँ एक और नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स।